नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। आपके साथ मैं हूं मनीषा कौशल। खास खबर में आपका स्वागत है। 13 जनवरी को दो दिवसीय बीजेपी प्रदेश की कार्य समिति की बैठक रखी गई, जिसमें सीएम डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव पहुंचे और बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में बीजेपी प्रदेश प्रभारी अनिल जैन भी शामिल हुए। बीजेपी ने दो दिनों तक होने वाली इस बैठक में आगामी कार्य योजना को लेकर तैयारी की है। वही कार्य योजना के विस्तार सहित आने वाले समय के लिए रणनीति भी बनाई गई। और आने वाले समय में जो कार्य समिति के बाद लगातार हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की उन ऊंचाइयों को प्राप्त किया है। दूसरे बार एक बार 95 में एक कार्य समिति प्रस्तावित थे, सूचना भी हो गई, कार्ड भी बढ़ गए, लेकिन अचानक पोस्टपोन हुआ था। और तब से राजनांदगांव के हमारे कार्यकर्ता चाह रहे थे कि राजनांदगांव में भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति होनी चाहिए। आज वो शुभ अवसर आया कि पिछले समय जगदलपुर के कार्य समिति में हमारे जिलाध्यक्ष संतोष जी, प्रभारी जी हमारे राजेश मुड़ा जी, सांसद जी और मुख्यमंत्री जी का आग्रह कि जगदलपुर के बाद में राजनांदगांव में कार्य समिति हो। आज 11 बजे पदाधिकारियों की बैठक प्रारंभ हुई। सबसे पहले पदाधिकारी की बैठक हुई है और पदाधिकारी के बैठक में जो विषय कार्य समिति में आना है उन विषयों पर चर्चा हुई है, जिसमें मुख्य रूप से एक तो संगठनात्मक हम समीक्षा करते हैं कि पिछले कार्य समिति में जो हम 3 महीना पहले उनको जो कार्य दिए हैं उन कार्यों की समीक्षा के दौरान में जिला से बातचीत किए। बातचीत करने के बाद में कौन से जिला कहां पर है और कितने कार्यक्रम का क्रियान्वयन हुआ है, इन सारों बातों के वहां पर बातचीत हुई है और समीक्षा के उपरांत में एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा निर्णय दिया गया है कि चूंकि हमारे संगठनात्मक ढांचा है, नियमित रूप से कार्यक्रम करते हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त भी आज के समय में जो आवश्यकता है कि हम कुछ प्रकल्प का गठन करें, कुछ विभागों का गठन करें। उदाहरण के लिए आपको बता सकता हूं कि जैसे ग्रंथालय बनने, हमारे ग्रंथालय प्रदेश में आकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसका लोकार्पण किया और ये कल्पना है कि जिले में भी हमारी लाइब्रेरी होनी चाहिए। जिले में भी हमारे जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था हो, ऑडियो की व्यवस्था हो, उसके अतिरिक्त हमारे जो कार्यालय भवन के निर्माण है और इस प्रकार से हमारे जो विभाग हैं, नमामि गंगे से लेकर के बहुत सारे विभाग बनाए गए हैं, उसमें लगभग 19 विभाग हैं जिसका प्रदेश में गठन हो गया है, बैठके हो गई है, लेकिन जिलों में भी उसके गठन हो और बैठके हो, जिससे जो कार्यकर्ता हमारे और भी हैं उन कार्यकर्ताओं के काम में लगा सके और उस विभाग में जवाबदारी के साथ में वहां काम कर सके, ऐसे 10 प्रकल्प और 19 विभाग, इसकी भी समीक्षा की गई। मोर्चा और प्रकोष्ठ जहां गठन हो चुके हैं और जहां गठन नहीं हुए हैं, समीक्षा के दौरान में जो बातें आई हैं उनको 31 जनवरी तक का हमने समय दिया है कि 31 जनवरी तक सारे मोर्चों और प्रकोष्ठों का जो जिले स्तर तक होना है और जो मंडल तक होना है, मंडल तक के उनके गठन हो जाए और उसके बाद में फरवरी महीना से उनके सभी की बैठकें प्रारंभ हो जाए, जिससे कार्य हमारा संगठन का सुचारू रूप से चल सके, ये बातचीत हुई है। हम सबको विदित है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी समारोह हम मना रहे हैं। पिछले राष्ट्रीय कार्य समिति कोझिकोड में उसका शुभारंभ हुआ। शुभारंभ होने के पश्चात में कि हम दो प्रकार के कार्यक्रम हाथ में लिए हैं, एक तो हमारा पंडित जी के जन्म शताब्दी समारोह में उनके जीवन के विभिन्न जो आयाम हैं उनको एक आयाम को लेकर के एक उत्सव के रूप में संगठन और सरकार के पंडित जी की जो सोच रही है कि समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति का विकास, अंत्योदय को लेकर के हम कितना काम कर सकते हैं और उसको लेकर के गरीब कल्याण वर्ष के रूप में इसको हम मना रहे हैं कि गरीबों के उत्थान के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं संगठन के। चलिए आपको सुना देते हैं, हमारे संवाददाता विप्लव दत्ता ने बात की प्रदेश अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक ने, क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं।
जी विप्लव, आपने धर्मलाल कौशिक जी से बातचीत की, क्या कुछ कहना था इन्होंने? देखिए, अगर बात करें कि मिशन 2018 चुनाव जो दो लेकर जो मुख्य रूप से फोकस रहा है, दो दिवस के जो है कार्यकर बैठक है, बैठक को लेकर आज बैठक की जा रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता जो है सचिदानंद उपासने है। सचिदानंद उपासने जी, इस जो बैठक हुई है, बैठक में मुख्य रूप से खास फोकस रहा यूथ और बूथ को लेकर, तो ये कितना यूथ और बूथ जो है कितना सफल माना जा सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सर्वव्यापी पार्टी है और निश्चित रूप से वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनाव से बूथ को आधार लेकर जो कार्य योजना बनाई है, पिछली बार हमने नारा दिया था बूथ जीता देश जीता, जिसके परिणाम आए कि लोकसभा के चुनाव में हमको पूर्ण बहुमत जो है मिला, विधानसभाओं में भी हम बड़ी सफलता हमने अर्जित की, और इस समय भी हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने बूथ को महत्व दिया है और यूथ को महत्व दिया है। तो निश्चित रूप से बूथ पर हमारी इकाइयां मजबूत हो, इस दृष्टि से सारी कार्ययोजना और इस बैठक में, इस प्रदेश कार्य समिति में भी बन रही है कि जिस प्रकार से हमने सेवावृत्ति समयवृत्ति कार्यकर्ता जो अपना घर द्वार छोड़कर और पार्टी के लिए समय देंगे, ऐसे 15 दिन का समय और 3 महीने का समय, 6 महीने का समय, 1 साल का समय, ऐसे देने वाले कार्यकर्ता हम निर्माण कर रहे हैं, उनको ऐसे लगभग 24,000 कार्यकर्ता जो है पूरे प्रदेश में, और एक कार्य योजना बनाकर जो 24,000 बूथ हैं उस बूथ पर एक एक कार्यकर्ता जाए और पूरे समय वहीं पर रहकर जो है जितना समय उसने दिया है कमोबेश 15 दिन का समय देने वाले कार्यकर्ता जो है वो बूथ पर उस बूथ व्यवहार तरह से चुस्त दुरुस्त करेंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वयं जो है एक एक बूथ पर 3-3 दिन रहकर जो है उस बूथ को ठीक करने का उन्होंने भी निर्णय लिया है, उनके निर्देशानुसार उनके अनुकरण करते हुए पूरे पार्टी ने इस प्रकार की योजना बनाई है कि बूथ पर, मंडल पर, जिले में और विधानसभा लोकसभा क्षेत्रों में ऐसे पूर्व कार्यकर्ता जिन्होंने समय दिया है वे वहां रहकर संगठनात्मक के साथ साथ कार्यकर्ताओं के निर्माण के साथ साथ जनता के बीच में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के बारे में या कमियां खामियां जो भी हैं उनको दूर करना, उनकी समस्याओं को सुनना, और उस आधार पर वहां भारतीय जनता पार्टी का जनाधार ऐसे बूथ जहां पर हम कभी जीते नहीं वहां जीतने की स्थिति निर्माण करना, ये सब प्रकार का ट्रेनिंग देकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और ऐसे पूरे प्रदेश के सभी बूथों में, मंडलों में भेजने की कार्ययोजना जो है 6 अप्रैल से भारतीय जनता पार्टी स्थापना दिवस से प्रारंभ कर रही है। उसके सुखद परिणाम जो है भारतीय जनता पार्टी को आगामी समय में संगठनात्मक रूप से भी मिलेंगे और साथ में जो मिशन 2018 है, मिशन 2019 है, उसमें भी कहीं न कहीं बड़ी सफलता मिलने की और एक विश्वसनीयता जो है भारतीय जनता पार्टी के सामने रहेगी। और इस प्रकार से जिस काम को लेकर भारतीय जनता पार्टी शून्य से लेकर के यहां तक पहुंची है, यही कारण है कि इन्हीं सब जो संगठन मंत्रियों की परंपरा इस पार्टी में रही, समय देने वाले कार्यकर्ताओं की परंपरा इस पार्टी में रही, उन्हीं की बदौलत जो है भारतीय जनता पार्टी आज कम समय में अनेक राज्यों में और केंद्र की सरकार में है। तो उसके लिए जो सेवा भाव है, समय देने वाला काम है, घरदार छोड़कर पार्टी के लिए समर्पित भाव से काम करने की बात है, तो यही कारण है कि हमने बूथ को महत्व दिया है, यूथ को महत्व दिया है, और कार्यकर्ता जो सर्व संपन्न सब प्रकार से मैच्योर कार्यकर्ता है, ऐसे कार्यकर्ता चाहे वो किसी भी प्रकार के पदाधिकारी हों, पार्टी के प्रदेश के हों, जिले के हों, केंद्रीय पदाधिकारी हों, सबको लिए एक अध्यक्ष जी ने, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने घोषणा आह्वान किया है, उस आह्वान के चलते सभी लोग जो है फील्ड में दिखेंगे घर छोड़कर। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह भी कहा है कि जिस तरह से लोग जैसे जुड़ना चाहते हैं, 15 दिन के लिए काम करना चाहते हैं तो 15 दिन काम करवा सकते हैं, 1 महीने के लिए जुड़ना चाहते हैं तो 1 महीना, जो 6 महीना चाहते हैं तो 6 महीना, साल भर भी चाहते हैं साल भर, तो इसको लेकर क्या योजना बनाया जाएगा? नहीं, उसी योजना के अंतर्गत जो है उनको प्रशिक्षित किया जाएगा कि किस प्रकार से उन क्षेत्रों में जाना है, उन क्षेत्रों में जाकर किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति सिद्धांतों को बताना है, जो भारतीय जनता पार्टी की 365 दिन चलने वाली कार्ययोजना है, केंद्र सरकार की योजना है, प्रदेश सरकार की योजना है, उन योजनाओं को वहां तक ले जाना, फोल्डर के माध्यम से, संपर्क के माध्यम से, वहीं पर विश्राम करना, वहीं पर सब प्रकार से उसी को अपना घर मानना, कार्यकर्ताओं के घरों में जाकर संपर्क करना, कार्यकर्ताओं को वहां सक्रिय करना, टीम बनाना, ये सब काम जो है जो अपने सब कामों को छोड़कर केवल पार्टी के लिए समर्पित होगा वही कार्यकर्ता इन सब कामों को कर सकेगा, ये भाव पार्टी का है और इसी आधार पर ये कार्ययोजना बनाई गई है। और निश्चित रूप से इस कार्ययोजना के चलते जो है संगठन को बहुत ज्यादा और कम समय में मजबूती मिलेगी निश्चित रूप से, और साथ में
पूरे समय वे इस एक ही लगन से काम करते रहेंगे। ये भाव पार्टी का है, आधार लेकर जो है, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जिन्होंने सारा जीवन भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित कर दिया, उनके जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर और उनके जीवन को आधारित रखकर जो है ये कार्ययोजना बनाई गई है, ताकि ये सेवावर्ती कार्यकर्ता जिस प्रकार से सेवा का भाव लेकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने समाज के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक जाकर शासन की योजनाओं का लाभ मिले, ये बात जो उन्होंने कही है, एकात्म मानव दर्शन दिया है, उस भाव को लेकर जो है ये कार्यकर्ता वहां पर जाएंगे और शासन के योजनाओं को उस समाज के वंचित गरीब वर्ग तक जो हम पूरा देश जो है गरीबों की योजना बनाकर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से ये वर्ष गरीबों के लिए समर्पित किया गया है, जो योजनाएं गरीबों के लिए बनेगी उन योजनाओं को वहां तक पहुंचाकर पार्टी उससे किस प्रकार से लाभान्वित हो, उसके हितग्राही किस प्रकार से लाभान्वित हो, समाज किस प्रकार से लाभान्वित हो, ये बात जो है चिंता करते हुए ये कार्यकर्ता उन क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ नेताओं के साथ मिलकर और पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए वहां पर काम करेंगे। बस्तर तो विप्लवा हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे साथ गेस्ट भी जुड़े हुए हैं, उनसे तारुफ करा देते हैं। छत्तीसगढ़ है जार के गांधी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गांधी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ बाबूलाल शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले बाबूलाल शर्मा जी से सवाल करेंगे। बाबूलाल जी, यहाँ पर तैयारियां जो है 2018 विधानसभा चुनाव की जा रही है, क्या लगता है, क्या जमीन तैयार कर रही है बीजेपी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हम कह चुके हैं कि पहले से ही अपनी तैयारियां शुरू करती है और जो हमारा अनुमान था कि इस बैठक में निश्चित रूप से काला धन पर की बातें आई है, नोटबंदी की बातें आई हैं, उन पर व्यापक विचार विमर्श हुआ है और ये भी स्वीकार किया गया कि बूथ लेवल पर हमको संगठन मजबूत करना है और बूथ जाकर के लोगों से संपर्क बनाना है, नोटबंदी की स्पष्ट व्याख्या करनी है, नोटबंदी के बारे में जानकारियां देनी है, काले धन के विषय में जो कहा गया है वो बातें बतानी है। मतलब ये है कि बूथ लेवल तक के जो है सारी बातों को स्पष्ट करना है। कार्यकर्ताओं का महत्व बढ़ रहा है, कार्यकर्ताओं को पूछा जा रहा है कि कौन लोग समर्पित कार्यकर्ता जो हमको समय दे सकते हैं। ये भी एक नई बात आई है कि भाई इस वक्त कोई ना कोई ऐसी चिंता जरूर है जिसे बूथ लेवल तक के जो है मजबूती जरूरी महसूस हो रही है और उस तरह का व्यवस्था की जा रही है। ये है कि खाना खाना है, जाकर रात में ठहरना है, वहाँ खाना खाना है, जिस तरह अमित शाह ने यूपी में कर दिखाया वैसा यहाँ पर भी उसका अर्थ साफ है कि आप उन लोगों के पास जाके बैठेंगे, वहाँ रुकेंगे, रात को खाना खाएंगे, उनके साथ गपशप करेंगे, जो कौशिक जी ने कहा है उनके अध्यक्ष ने, तो उससे एक होगा कि गपशप के करने के दौरान जो है वो नोटबंदी की स्पष्टीकरण को व्यापक करेंगे। निश्चित रूप से कई लोगों के मन में प्रश्न होगा, कई लोगों को तकलीफें होंगी, कई लोगों को गांव ग्रामीण क्षेत्र में बहुत तकलीफें हुई है, किसानों को तकलीफें, तो वो लोग अपनी बात को व्यक्त करेंगे, तो उसके उस गुस्से को समन करने के लिए कुछ ना कुछ बात जो है ऐसी करेंगे ये जरूर कि जिससे उनका गुस्सा शांत हो। इस बैठक से एक बात और निकल के सामने आई कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में नमामि नर्मदा यात्रा चल रही है, वैसा ही नमामि गंगे के साथ छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी आगे बढ़ेगी। नमामि गंगा इस बैठक में एक बात देखने सामने आई है बाबू जी, यह भी बात आई है कि व्यापारी जो है कैशलेस जो सिस्टम लागू करने की बात मोदी जी कर रहे हैं उससे बड़े नाराज हैं, कुछ खफा हैं, कुछ लोग परेशान हैं और कुछ लोग जो है सबसे पहले उनको भी कहीं ना कहीं क्लियर करने की बात आ रही है और उनके लिए भी जो समर्पित कार्यकर्ता है जो अपना समय देंगे वो लोग व्यापारी वर्ग को भी जो है संभालने का प्रयास करेंगे। साफ साफ धर्मलाल कौशिक जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं उन्होंने साफ साफ नोटबंदी के मामले में कहा है कि थोड़ा इंतजार कीजिए, मतलब कहीं ना कहीं मन में उनके भी क्वेश्चन मार्क है कि आगे क्या होगा और निश्चित रूप से ये रिजल्ट बहुत महत्वपूर्ण तब हो जाएंगे जब मार्च के बाद, मार्च तक के तो लोग जो है शांत है कि मोदी जी ने कहा है समय, तो 31 मार्च के बाद जो है जो परेशानियां आएंगी या नहीं आएंगी या अच्छी स्थिति पैदा होगी या नोटबंदी के अच्छे परिणाम अगर आने शुरू हो जाएंगे तो निश्चित रूप से इनकी बातों को या भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। इसमें बाबूलाल जी एक बात और निकल सामने आई कि जो पार्टी पहले राजधानी तक सीमित रहती थी, चाहे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बात कर ले, जो दिल्ली में बैठक हुआ करती थी, अब केरल बेंगलुरु में बैठक होने लगे, वैसे ही अब छत्तीसगढ़ में भी इस बात को धर्मलाल कौशिक जी ने रेखांकित किया कि अगला बैठक बिलासपुर में करेंगे और इसके पहले सरगुजा, जगदलपुर और राजनांदगांव में बैठक हो रही है, तो कहीं ना कहीं राजधानी से पार्टी अब निकलकर छोटे स्तर पर भी बैठक करिए जहां पर तमाम कार्यकर्ता एकजुट हो रहे हैं। ये क्या है, नोटबंदी का जो व्यापक असर हुआ है उसने इतना ज्यादा महत्वपूर्ण उस बात को बना दिया है, लोगों तक पहुंचना जरूरी है, कार्यकारिणी का विस्तार किया गया है, जगह जगह जाने की बात की जा रही है और निश्चित रूप से
हर बात पर चिंतन मनन किया जा रहा है, मंत्रियों पर चिंतन मनन किया जा रहा है, विभागों पर किया जा रहा है, किस विभाग के काम कमजोर है, किसके सही नहीं है, सारी चीजें देखी जा रही है। और व्यापकता का अर्थ ही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी बात पहुंच सके, जो कुछ भी हम कह रहे हैं वो बातें हर व्यक्ति तक पहुंच सके, ताकि हमारी जो नोटबंदी का असर अगर कुछ हो तो वो समाप्त हो, काला धन की बात हमने जो कही है उसमें यदि कोई बात हो तो वो समाप्त हो, और कितनी समस्याएं किस क्षेत्र में कहां कहां किस विधानसभा क्षेत्र में हैं उसकी समझ बने और उसके निराकरण की उम्मीद बनाने का प्रयास किया जाए। तो उम्मीद के बीच में आपको क्या लगता है कि जिस तरह से जो 3 महीने की कार्ययोजना यहाँ पर बनाई गई है, ये कार्ययोजना बीजेपी को बहुत आगे लेकर जाएगी, जिस तरह से कुछ सीटों पर चिंताजनक स्थिति, जो चिंता की बात है, चिंता मनन चिंतन यहाँ पर बीजेपी करती दिखी? देखिए, मैं जहां तक मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक कैडर पार्टी, कार्यकर्ताओं के बेस पर बनी हुई पार्टी है, कार्यकर्ता अपना एक ढांचा रखते हैं, और इस पार्टी में अध्यक्ष कोई भी हो, महामंत्री कोई भी हो, पदाधिकारी कोई भी हो, वो ढांचा जो सिस्टम है वो काम करता है और वो बड़े आराम से अपने काम को अंजाम देता है। इस मामले में इस बात की तारीफ है भारतीय जनता पार्टी की कि वो बहुत ही महत्वपूर्ण ढांचा बनाकर चलने वाली, अपने नीति नियमों के अंदर चलने वाली पार्टी है। लेकिन थोड़ा बहुत जो सत्ता के कारण, 3 बार की सत्ता के कारण जो कमजोरियां आई है, उन कमजोरियों को दूर करने नमामि गंगा एक इसमें जो बातें निकल के सामने आई है कि नमामि नर्मदा जो है मध्य प्रदेश चले, तो कहीं लगता है नहीं लगता कि मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़ भी आगे बढ़ने जा रहा है उसी तर्ज पे? बिल्कुल, वो तो ये जो पैटर्न है ये कोई मध्य प्रदेश का या छत्तीसगढ़ का पैटर्न नहीं, ये पैटर्न केंद्र से मिला है। निश्चित रूप से वहां भी इसी तरह की योजनाएं, इस तरीके गंगा के नाम से, गंगा की सफाई के बारे में जिस तरह से नारा दिया गया। बाबूलाल शर्मा जी, आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, हमारे संवाददाता वैभव दत्ता हमारे साथ मौजूद है, वो वहाँ पर मौजूद है जहाँ पर बैठक हुई है, उनसे उनके पास चलते हैं। वैभव, क्या यहाँ पर जो तैयारियां की गई हैं, हम खासतौर पे बीजेपी की बात करें तो जमीनी स्तर पर तैयारी की जा रही है बीजेपी की तरफ से, क्या कुछ खास वहां पर बातचीत की आपने? देखिए, अगर जमीनी स्तर की अगर बात करें तो जमीनी स्तर पर यह देखा जाए कि 2018 मिशन चुनाव को लेकर बैठक शुरू हो गई है, क्योंकि हमेशा जो है समीक्षा बैठक होती है, हर 3-3 महीने में बैठक होती है, बैठक को लेकर जो है अपने कार्य समिति को लेकर जो है ऊपर तक जो इसकी जानकारी दी जाती है, पर कई खामियां देखने को मिलती है, कई चीज जो महत्वपूर्ण चीज है जिस तरह से काम होनी चाहिए वो नहीं हो पाती, तो उसको लेकर जो है आज एक बैठक की गई है, और साथ में आने वाले 3 महीना के बाद क्या रूपरेखा बनेगी उसका भी बैठक किया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए कि 19 जगह जो है किस तरह के काम करना चाहिए, उस काम को बारीकी से करना चाहिए, उसको लेकर भी बैठक हुई। इसके अलावा जो गरीबी रेखा में जो शासन के जो सुविधा है उसको कहा, बस्तर अंचल हो चाहे सरगुजा संभाग हो चाहे गरीब जनता तक हो, उस तक जो ये योजना पहुंचे उसको लेकर भी बैठक की गई है। मुख्य तौर से अगर नक्सल क्षेत्र की बात करें तो नक्सल क्षेत्र में योजना जो है नहीं पहुंच पाती है, तो उस जगह को जो है चिन्हांकित किया गया है और वहां जो रणनीति बनाई गई है उस क्षेत्र में जो लोग को जो सुविधा मिलनी चाहिए वो तत्पर मिले, इसको लेकर जो है बैठक की गई है। तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के लोग और कार्यकर्ता को जोड़े गए हैं और ज्यादा से ज्यादा जो लोग इस पर आए और आने वाले समय को लेकर जो है हर बूथ में काम करें। जी मनीषा जी, विप्लव, हमारे साथ आरके गांधी जी भी मौजूद हैं, स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरके गांधी जी, आपने कहा कि जो नोटबंदी को लेकर जनता को परेशानियां हुई हैं उसको लेकर सरकार एक संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रही है कि नोटबंदी एक सही फैसला था। हम आदिवासी इलाकों की बात करें, नक्सल इलाकों की बात करें, तो वहां पर लोगों को बहुत ज्यादा परेशानियां हुई नोटबंदी से, क्योंकि वहां बैंक नहीं था, एटीएम जो थे वो भी खराब थे, उसमें कैश नहीं था। जो पिछड़े इलाके हैं वहां पर सबसे ज्यादा परेशानियां हुई, तो वहां पर क्या संदेश पहुंचाना चाहती है सरकार और वहां की कार्ययोजना क्या खास होगी? देखिए, नोटबंदी के बाद में जो माहौल बना है और इस माहौल के बीच में जहां जहां जो चुनाव हुए उससे तो उत्साह बीजेपी में है, लेकिन यहां पे जिस तरह से बूथ मैनेजमेंट की बात हुई कि बूथ स्तर तक अगर आपका कसावट बहुत मजबूत हो तो पार्टी कभी भी बैकफुट पर नजर नहीं आएगी, और इसीलिए बूथ मैनेजमेंट को लेकर रामलाल कौशिक खासतौर पर बात करते नजर आए। लेकिन जो इसमें एक नई बात निकल के सामने आई कि कार्यकर्ताओं के बीच में पार्टी के अहम लोग पहुंचेंगे, वहां रात में रुकेंगे, वहां खाना खाएंगे, और उस इस दौरान वहां पर नोटबंदी को लेकर बातचीत की जाएगी, तो कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कोशिश है कि एक माहौल जो है बदल रहा है बीजेपी के पक्ष में, आप किस तरह से अपने पार्टी के पक्ष में किस तरह से आप माहौल तैयार करते हैं कर सकते हैं, और इसके लिए आपको क्या करना है, क्योंकि इसमें एक आर्थिक प्रस्ताव भी लाया गया, तो
सरोज पांडे की तरफ से, जिसमें नोटबंदी पर ही ये आखिर पूरा प्रस्ताव रहा, नोटबंदी के फायदे इसमें गिने आए गए, नोटबंदी को लेकर आने वाले समय में और क्या क्या फायदे होंगे, डिजिटल को लेकर जो काम सरकार कर रही है उसको लेकर यहाँ पे बात की गई, डिजिटल जो धन मेला जो चलाया जा रहा है उसको लेकर यहाँ पे बातचीत की गई। तो कहीं ना कहीं राजनांदगांव और बस्तर के बाद में जिस तरह से राजनांदगांव में जो ये बैठक हुई, इस बैठक के जरिए बीजेपी मिशन 2018 और 2019 जो केंद्र का चुनाव है उसको लेकर इस पर ठोस रणनीति और ठोस कार्य योजना बनाती नजर आई, जिसको लेकर धर्मलाल कौशिक तमाम बातें करते नजर आए। लेकिन इसमें जिस तरह से जिन जिन योजनाओं की बात करते नजर आए इस बैठक में, कि उज्ज्वला योजना है, जनधन योजना है, और इसमें एक बात ये भी आई कि गरीबी हटाओ, कांग्रेस जिस नारे के साथ आगे बढ़ी थी उसमें कभी भी गरीबी को नहीं हटाया गया, और गरीबों को लेकर बीजेपी काम करेगी। लेकिन इस बैठक में जब आज जब सवाल किया जा रहा था धर्मलाल कौशिक से, तो उनसे पूछा गया कि आपके पास मध्यम वर्ग के लिए कोई योजना नहीं है तो है क्या, तो तुरंत यहाँ पे धर्मलाल कौशिक ने यह कहा कि हमारे पास मुद्रा योजना है जो मध्यम वर्ग के लिए है, हमारे पास में कौशल यूनियन योजना है जो मध्यम वर्ग के लिए है। तो हर एक वर्ग के लिए योजनाओं को वो गिनाते नजर आए, और उन योजनाओं को कैसे अंतिम स्तर तक ले जाना है, कार्यकर्ता है किस तरह से काम कर सकते हैं, संगठन इसमें क्या भूमिका निभा सकती है, सरकार की क्या भूमिका हो सकती है, संगठन और सरकार में क्या तालमेल हो सकता है, चुनाव में किस तरह से काम करना है, इन तमाम चीजों को लेकर यहाँ तो बातचीत हुई। जब सुबह जब बैठक शुरू हुई जिसमें पदाधिकारी बैठक में शामिल हुए, तो बूथ मैनेजमेंट की उसमें बात होती नजर आई, उसके बाद जब कार्य समिति की बैठक हुई तो कार्य समिति में अलग अलग पहलुओं पर बातचीत हुई, और इसमें जो विभागवार तीन मंत्रियों के प्रेजेंटेशन की बात आई कि प्रेम प्रकाश पांडे के विभाग का प्रेजेंटेशन होगा, नमशीला साहू के विभाग का प्रेजेंटेशन होगा, इसके अलावा राजेश मुहत के विभाग का प्रेजेंटेशन होगा, तो इन बैठकों में कहीं ना कहीं मंत्रियों के जो विभाग है जो जिसमें काम हो रहे उस विभाग की जानकारी कार्यकर्ताओं को यहाँ पर दिया जा रहा है, कार्यकर्ताओं को बूस्टर किया जा रहा है कि वो जाकर विभागों की योजनाओं की जानकारी आम जनता तक रखे, और इसके लिए वो रात रुकेंगे, खाना खाएंगे, और नमामि गंगे की तर्ज पर बीजेपी आगे अपनी योजनाओं को आगे लेकर चलेगी। जी जी, विप्लव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विप्लव, अगर हम बूथ की बात करें या फिर जो विधानसभा को लेकर कार्य योजना बनाई गई है, इसके लिए क्या कार्यकर्ताओं को कोई स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है, क्या कोई बीआर एजेंसी है जो ट्रेनिंग दे रही है, फिर जो नेता है वही बातचीत करके रणनीति बना रहे हैं?